हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि सर्दियों के लिए हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसमें हम चीनी का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे तो ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाती है और बनाने में भी इसे बहुत ही कम समय लगने वाला है। 5 से 10 मिनट के अंदर आप इसे बनाकर तैयार कर लेंगे तो ये बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए फिर देर ना करते हुए ये रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया है। पैन में हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। घी को अब हम पिघला लेंगे। घी हमारा पिघल गया है तो अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप अखरोट लिया है तो ये हम इसमें डाल देते हैं। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप बादाम, 1/2 कप काजू, दोनों मैंने सेम कटोरी में ले लिए हैं। आप इसमें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स थोड़े कम या ज़्यादा कर सकते हैं। टोटल हमें 2 कप ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर लेने हैं। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच पिस्ता। अब इन सभी चीज़ों को हम भून लेंगे। भूनने में इसे ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी से ये क्रंची हो जाते हैं। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स अब हमारे भुन गए हैं, इनका कलर भी अब चेंज हो चुका है। तो चलिए अभी इन्हें हम एक प्लेट में बाहर निकाल लेते हैं कढ़ाई से। अब सेम कढ़ाई में मैं 1 बड़ा चम्मच किशमिश भी डाल रही हूँ। यहाँ पे जो किशमिश होता है काफ़ी जल्दी पक जाता है, इसलिए मैं इसे अलग से पका रही हूँ। कढ़ाई काफ़ी गर्म है तो 20 से 30 सेकंड के अंदर ये पक जाएंगे। तो किशमिश को भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेते हैं। जैसे ये फूलने लगे इसका मतलब है कि ये पक गए हैं। तो किशमिश भी अब भुन गया है, इसे भी हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। तो ये ड्राई फ्रूट अब हमारे ठंडे हो गए हैं, इन्हें हम क्रश कर लेंगे। इन ड्राई फ्रूट्स को मैं मोटा मोटा ही तोड़ने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये जिपलॉक बैग ले लिया है। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को मिक्सी में भी ग्राइंड करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इस तरीके से जिपलॉक बैग में अगर इन ड्राई फ्रूट्स को क्रश करते हैं तो इनका जो लुक होता है वो काफ़ी अच्छा आता है। तो यहाँ पर हम एक बेलन की सहायता से इन ड्राई फ्रूट्स को तोड़ लेंगे। इन ड्राई फ्रूट्स को हमें जस्ट मोटा मोटा ही तोड़ना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। कुछ पीसेज ऐसे होते हैं जो साबुत रह जाते हैं, उन्हें आप चाकू की सहायता से कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी ड्राई फ्रूट्स मैंने अब रेडी कर लिए हैं, तो आगे का स्टेप करते हैं। अब वापस से हमने सेम कढ़ाई ले ली है और इसमें हम डाल रहे हैं 1 चम्मच देसी घी। फ्लेम को हम लो रखेंगे, घी को पिघला लेंगे। अब मैंने यहाँ पर 200 ग्राम सीडलेस खजूर लिया है, यानी कि जो खजूर होता है उसका बीज मैंने निकाल दिया है। और बीज निकालने के बाद इसका जो वजन है वो 200 ग्राम है। खजूर लेते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि जो खजूर हों काफ़ी सॉफ्ट हों। अब इन खजूर को हम लो फ्लेम पर पकाएंगे जब तक कि ये डो जैसा ना बनने लगे। इन खजूर का हम यहाँ पर बाइंडिंग लाने के लिए यूज़ करने वाले हैं। अगर ये सॉफ्ट नहीं रहेंगे तो बाइंडिंग नहीं आ पाएगी। आप चाहें तो इन खजूर को पहले से ही छोटा छोटा चॉप कर लें, तो ऐसा करने से ये थोड़ा जल्दी पक जाते हैं। इन्हें पकाने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 से 2 मिनट के अंदर ही ये डो जैसा फॉर्म करने लगेंगे। ये देखिए खजूर में अब ये डो जैसा फॉर्म करने लगा है, यानी आपस में इकट्ठा होने लगा है। तो अब ये रेडी हो गया है। तो अब हमने जो ड्राई फ्रूट रेडी करके रखे थे उन्हें भी हम कढ़ाई में डाल देते हैं और सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही इसमें हम किशमिश भी डाल देते हैं। ये किशमिश मैंने पहले चॉप कर लिए हैं चाकू से, हाफ हाफ, क्योंकि काफ़ी लंबे थे। और 1/2 चम्मच इसमें मैं फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डाल रही हूँ। इलायची पाउडर डालना ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है इसका फ्लेवर तो डालें, नहीं तो ना डालें। वापस से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हमने एकदम लो ही रखा है यहाँ पर। सभी चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तो चलिए फ्लेम को बंद कर देते हैं और ड्राई फ्रूट्स को हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये ड्राई फ्रूट्स अब ठंडे हो गए हैं तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हाथों में घी लगा लिया है और अब थोड़ा थोड़ा मिक्स लेके हम हाथों में ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना लेंगे। यहाँ पर जो खजूर है वो मीठा का भी काम कर रहा है इसमें, यानी मिठास भी लेकर आ रहा है और इसके साथ ही साथ बाइंडिंग का भी काम करता है।
तो ये देखिए हमारा पहला लड्डू बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम बाकी के लड्डू भी बनाकर तैयार कर लेंगे। सर्दियों के सीज़न में इन्हें खाना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, बच्चों से लेकर बड़े तक सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। और जैसा कि आपने देखा इसे बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें।